आपने यहाँ का कोई चमत्कार देखा अभी तक? बहुत अच्छा चमत्कार देखा। चमत्कार हुआ था आपको? एक मुर्दा को छोड़ गए थे, एक मुर्दा को छोड़ गए थे ग्वालियर के, तो मुर्दा सवेरे अपने आप खड़े है के ठीक है गा, घर बारे आए तो अच्छा है गा। सबकी सुनते करुण पुकार, बाबा धंधराउआ वाले हमार, धंधराउआ सरकार के दरबार में आप लोग जुड़े हैं। मैं राघवेंद्र खेमरिया आज लेकर आया हूँ आप सभी को धंधराउआ धाम के दरबार में, और लोगों से हम बात करेंगे कि किस तरीके से चमत्कारी बजरंगबली भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं। तो हम जुड़ने जा रहे हैं कुछ भक्तों के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है? कल्याण सिंह कुशवाहा। कहाँ से आया? जिला दतिया। बाबा के दरबार में कब से आ रहे हैं? पहली बार आए अभी। पहली बार आए? हाँ। क्या महिमा और चमत्कार सुनकर आप यहाँ? बहुत अच्छा, मतलब जो शरीर के जो कष्ट होते हैं मैंने दूर करते हैं वे सब कुछ। तो आप भी कोई कष्ट लेकर आए हैं? हाँ, लेके। बीमारी इनके लिए वो आँखों की बीमारी है, सिर में दर्द होता है इनके लिए जी। तो आपको लगता है बाबा ठीक करेंगे? बिल्कुल ठीक करेंगे, मेरे को लगता है। बिल्कुल विश्वास से आया हूँ। विश्वास है कि बाबा सब ठीक करेंगे। हम और भी भक्तों को जोड़ेंगे आपके बीच। दादा जय श्री राम। गेट ये देखिए, ये गेट के लिए अलग अलग, सबकी अपनी अपनी समस्या है। बाबा के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है, आप लोग जैसा कि देख ही रहे हैं तस्वीरों में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हैं। दादा जय सियाराम। जय सियाराम। कब से धंधराउआ धाम आ रहे हैं? हम तो पहली बार आए। पहली बार कहाँ से आए? घोंसली से, बात तहसील। बात तहसील से? बात तहसील आगरा के पास। हाँ। आपने क्या महिमा यहाँ की सुनी थी जो आज यहाँ आए? महिमा अच्छी है यहाँ हमारी, ये बाइक है ना बहुत दिन से आ रही है। अच्छा, ये आपकी पत्नी? हाँ। हमारा मैं तो 16-15 दिन रह के गई हूँ यहाँ। आपने यहाँ का कोई चमत्कार देखा अभी तक? बहुत अच्छा चमत्कार देखा, अच्छा चमत्कार देखा है मैंने। चमत्कार हुआ था आपको? एक मुर्दा को छोड़ गए थे ग्वालियर के, तो मुर्दा सवेरे अपने आप खड़े है के ठीक है गा, घर बारे आए तो अच्छा है गा। ठीक हो के अच्छा हो गया लड़का? हाँ, अच्छा हो गया था। क्या कहना चाहेंगी देश दुनिया के, बहुत लोग आपको सुन रहे हैं? बहुत अच्छे हैं धंधराउआ सरकार, बहुत बढ़िया है, बहुत डॉक्टर भगवान हुए भी। आप भी बाहर से इन्हीं के साथ? हाँ। ये इनकी पत्नी पहले से आती थी और दादाजी अभी पहली बार आए हैं, और ये दोनों बड़े मुस्कुरा रहे हैं। हम चाहेंगे एक बार जयकारा लगाएं धंधराउआ सरकार की जय। ये दंपति जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं, आपके जीवन में भी मुस्कुराहट बरकरार बनी रहे और धंधराउआ सरकार की कृपा से आप भी खुश रहें, ऐसी प्रार्थना हम बाबा के दरबार में करते हैं। आप सभी को जय श्री राम।